सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, आज नाथ पंथ और समरण समाज का सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके हैं अखिलेश। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जेल से छूटने के बाद अपने आवास पहुंचे हैं केजरीवाल। सीएमओ के बड़े स्तर पर हुए तबादले, डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह सीएमओ बिजनौर बनाए गए, डॉक्टर तरुण पाठक सीएमओ संभल बनाए गए। डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान मिला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे प्रशांत कुमार। नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का और बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी की रैली से पहले किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी डोडा जिले में रैली करेंगे, जहां पिछले कई महीनों से आतंकी हमले हो रहे, साथ ही चिनाब के 8 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए पीएम मोदी जनता को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनावी दंगल में उतरी है, हालांकि घाटी में सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी निर्दलियों का भी समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में घाटी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर बीजेपी का फोकस है। जी हाँ, बता दें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनाव प्रचार। जी हाँ, चुनाव प्रचार करने निकल पड़ेंगे पीएम मोदी अब जम्मू कश्मीर में। देखना ये होगा कि इस दौरे को लेकर और क्या क्या बातें सामने आती हैं। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे पीएम मोदी। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। बता दें पीएम मोदी की रैली से पहले किश्तवाड़ में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश मेहता हमारे साथ जुड़ चुके। सतीश, जिस तरह से देखिए जम्मू कश्मीर का पीएम मोदी का आज दौरा है, क्या कुछ प्रोग्राम है आज का पूरा? जी देखिए ज़ेबा जी, आज पीएम मोदी का डोडा जिले में लेकर के जो पूरा एक रैली का उनका जो है वो दौरा यहाँ पर बना हुआ है, जिसके तहत वो चुनावी प्रचार यहाँ पर करने आ रहे हैं। ये विधानसभा की घोषणा के बाद में पीएम मोदी का पहला दौरा है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी अपनी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो 8 विधानसभाओं पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए पीएम मोदी यहाँ पर संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें एक और भी बात आती है, वो ये है कि बीजेपी के जीतने की उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बीजेपी कई सारे निर्दलीय जो प्रत्याशी है, चुनावी प्रत्याशी, उनके साथ में उनका उनको जो है सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते बीजेपी की घाटी में जीत के को लेकर के संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन इसमें एक और पहलू ये भी आता है कि पीएम मोदी की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पीएम मोदी के रैली के पहले ही किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ में जो मुठभेड़ हुई है उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में हमारी जो सुरक्षा है पीएम मोदी को लेकर के वो काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है यहाँ पर। जी देवा, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें मोदी जी के जम्मू कश्मीर दौरे की, तो देखिए डोडा जिले में रैली करेंगे, जहां पिछले कई महीनों से आतंकी हमले भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहां पर क्या कुछ संदेश दे सकते हैं पीएम मोदी आज? देखिए पीएम मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर के ज़ेबा,
जिस तरीके से हम बात करें तो एक दौर ऐसा था जब बोला जाता था कि आप जो है श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सकते, पीएम मोदी वहीं गए और जाकर के झंडा फहरा करके आए। दूसरी बार हमने देखा जब 370 को लेकर के बोला गया था कि यह हटा करके दिखाइए तो खून की नदियां बहेंगी, और पीएम मोदी ने उसे हटा करके दिखा दिया। इसके साथ ही हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का ये हमेशा से दावा रहा है कि जहां जहां हम पहुंचे वहां पर आतंकी हमले काफी कम हो चुके हैं। इन आतंकी हमलों के पीछे अगर हम बात करें तो इससे सीधा फायदा जो क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें मिलता है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हमें शांति बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क से बात करनी होती है। इसमें एक एंगल सेपरेटिस्ट का भी आता है, लेकिन इन सबसे हटकर के अगर हम बात करें पीएम मोदी को लेकर के, तो उनका हमेशा से मानना रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का एक अभिन्न, एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम टूटने नहीं देंगे। और पीएम मोदी हमेशा से इन्हीं कड़े फैसलों के लिए जाने जाते रहे, जिसके साथ ही पीएम मोदी इस जिले में ही पहुंच रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है देखने के लिए, क्योंकि वो उसी जिले में जा रहे हैं जहां पर कि महीनों से आतंकी हमले हो रहे हैं। तो इससे ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी अगर यहां आते तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आतंकी हमले भी यहां पर अब कम होंगे। जी सतीश मेहता जी, बहुत धन्यवाद है आपका इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स के लिए।